प्रिय दर्शकों, आप सभी को हृदय से नमस्कार। मैं आपको इस वीडियो में राहु का विशिष्ट रूप से महत्व बताऊंगा। असल में आपकी जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव क्या होता है, क्या राहु आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों को बिगाड़ता है, क्या राहु से व्यथित व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव या असर होता है, धन संपत्ति वैभव यश अपयश कीर्ति अपकीर्ति क्या राहु के कारण होते हैं, क्या राहु को मानना चाहिए जन्म कुंडली में या नहीं, राहु का स्वभाव क्या है, राहु के वस्त्र क्या हैं, राहु की जो वस्तुएं हैं वो क्या हैं, रिश्ते क्या हैं, इन सभी विषयों का विशेष विवेचन है इस वीडियो में। यदि आप लगातार क्रमशः देख रहे हैं तो प्रत्येक वीडियो जैसे कि सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यहाँ तक मैंने पूरी वीडियो स्वभाव सहित बनाए। और अब हम राहु के इस वीडियो में पूरा वर्णन आपको करेंगे। वैदिक परंपरा के अनुसार राहु का क्या महत्व है और उसके बाद फिर क्या तथ्य है, क्या तत्व है, पूरी तरह से सारा वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिए, देखते रहिए राहु का प्रभाव। इसके बाद हम केतु का प्रभाव बताएंगे। राहु केतु का प्रभाव बताने के बाद चर्चा करेंगे हम जन्म कुंडली के उन विशेष रहस्यों का जो मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव लाते रहते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए पहले राहु का विशद वर्णन सूक्ष्म रूप से ले लेते हैं। देखिए, राहु को ज्योतिष में कईयों ने ग्रह नहीं माना, छाया ग्रह माना है। इनकी सत्ता के विषय में किसी को जिज्ञासा हो तो उसे ऋग्वेद, अमरकोश, महाभारत, याज्ञवल्क की स्मृति तथा अथर्व ज्योतिष आदि का अध्ययन करना चाहिए। और इनमें इन दोनों को स्वरभानु नाम से निर्दिष्ट किया है और कहा है कि दोनों सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। पौराणिक कथा भी है कि जब अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो अमृत के कारण राहु ने वेश बदल करके देवताओं के श्रेणी में जाकर के अपना स्थान जमाया। परंतु चंद्रमा और सूर्य ने इन दोनों का भेद जान लिया और भगवान श्रीहरि विष्णु से कह दिया। भगवान श्रीहरि विष्णु ने तत्काल ही अपने चक्र से राहु का सिर छेद कर दिया तो राहु का सिर जो है वो राहु बना और केतु जो है वो धड़ है। इसलिए राहु केतु का असर, क्योंकि अमृत पान करने के कारण अब इनका विनाश नहीं हो सकता था। तो ये तो रही यह चर्चा राहु के। वैदिक ग्रंथ के अनुसार क्या ग्रहण का प्रभाव होता है? देखिए, चंद्रमा का ग्रहण पूर्णिमा के पूर्ण होने पर हो सकता है। चंद्रमा और राहु का अंतर 7 अंश से कम हो तो ग्रहण अवश्य होता है। 7 से 9 अंशों तक अंतर होने पर ग्रहण की संभावना होती है, इससे अधिक अंतर हो तो ग्रहण नहीं होता। राहु की जो पातक कक्षा है उसमें चंद्रमा हो और उसका सर 1 या 1.5 अंश में हो तो ग्रहण होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की विरुद्ध दिशा में चंद्रमा होता है तथा पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का कुछ भाग आच्छादित होता है, अंधकारमय हो जाता है, इसी का नाम है ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, यही सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में सूर्य चंद्रमा तथा राहु का विचार करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और राहु का ही विचार किया जाता है। राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए वैदिक साहित्य में राहु केतु मंत्र भी पाए जाते हैं, अतः इनकी सत्ता के विषय में संदेह करना अनावश्यक है। विंशोत्तरी दशा में राहु केतु का वर्णन सभी ग्रंथों में है, जो आचार्य केवल 7 ही ग्रह हैं और राहु केतु को ग्रह नहीं भी मानते हैं, जैसे बराह मिहिर, इनके ग्रंथों में भी विंशोत्तरी दशा वर्णन विभाग में राहु केतु दशा का वर्णन पाया जाता है। तो राहु केतु के विषय में अधिकतर ग्रंथों में वर्णन है। तो राहु केतु का विशेष वर्णन इस प्रकार से करते हैं। देखिए, राहु जो है इसकी दिशा देखें तो इसकी दिशा है नैऋत्य कोण। उसके अलावा इसकी जो दृष्टि है वो नीचे की तरफ है, नीचे देखता है, और बल के स्थान है
मेष वृश्चिक कुंभ कन्या वृष तथा कर्क राशि में दशम स्थान में राहु बलवान होता है। कन्या के अंत में वृष तथा धनु में रात्रि में तथा उत्पात एवं धूम केतु के दर्शन के समय केतु बलवान होता है। तो राहु के दोष को बुध दूर कर देता है, ये भी आपको जानना चाहिए। इनका स्थान है वन, ये वन में रहता है और इसका स्थान वामी है। जाति है चांडाल, धातु है इसका सीसा, रत्न है नीलमणि, वस्त्र चित्रकन्या फणीन्द्रस्य केतोः छिद्रयुतम वस्त्रम, मतलब चित्र विचित्र रंग बिरंगी गोदड़ी राहु का कटा हुआ वस्त्र केतु का होता है। और राहु का समय 8 महीने तथा केतु का 3 मास काल है। जो राहु की धातु है सीसा, वस्त्र है पुराना, केतु का पात्र है मिट्टी का, वस्त्र है रंग बिरंगा। जो केतु है वो छोटे वृक्षों को बनाने वाला है, छोटे वृक्ष बनाता है। और इनका रंग जो नीला चित्र विचित्र है, ऐसा मत वेंकटेश्वर शर्मा का है। संध्या समय में राहु बलि होता है और राहु सरपट चलने वाला ग्रह है। राहु का मुख दक्षिण की ओर है और यह वृद्ध ग्रह है। यह मत जयदेव जी का है। राहु धुएं जैसा नील रंग का वनचर भयंकर वात प्रकृत का तथा बुद्धि मान होता है, ऐसा ही केतु है। यह वर्णन पराशर जी ने किया है। केतु की दृष्टि लाल तथा वाणी उग्र है, हीन शरीर, उग्र शस्त्र सहित पतित, धुएं जैसे रंग का व्रण सहित दुबला दुष्ट नित्य धूम्रपान करने वाला, ऐसा केतु है। यह मत है मंत्रेश्वर का। और ये नीले रंग का ऊंचे कद का कुरूप माना जाता है। पापी पंडित हिचकियों से पीड़ित होने वाला व्यक्ति राहु से पीड़ित होता है। झूठ बोलने वाला राहु से पीड़ित होता है। कोढ़ी पर निंदक तथा बुद्धिहीन राहु होता है। ये मत विभिन्न शास्त्रज्ञों का है। राहु का शरीर आधा महाबली बताया जाता है, काजल के पहाड़ जैसा अंधकार स्वरूप, भयंकर सांप जैसा मुकुटधारी तथा भयंकर मुख से युक्त है। ये सिंह का राक्षसी का पुत्र है और पर्व के समय सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करता है। ऐसे राहु को नमस्कार है। ये ऐसा वर्णन राहु स्तोत्र में है। राहु केतु का कारकत्व तो समझें। देखिए राहु के बारे में पराशर जी कहते हैं, राहु प्रवास का समय सोए हुए प्राणी रात्रि में जुआ तथा सांपों का कारक ग्रह राहु है। और व्रण जैसे मसा हो गया, निशान हो गया, चिन्ह हो गया, चमड़ी के रोग हो गए, भूख फोड़ा फुंसी का कारक केतु है, ऐसा वेंकटेश्वर ने बताया। यश मान तथा राज वैभव का कारक राहु है, ऐसा मत वेंकटेश्वर का है। तो बौद्ध सपेरे पक्षी भेड़िए ऊंट सांप कौवे मच्छर खटमल कीड़े उल्लू, ये सब राहु के अधिकार में हैं। हृदय रोग कोढ़ बुद्धिभ्रंश विष बाधा शत्रु भय प्रेत बाधा शरीर की मलिनता से रोग से, जो शरीर की मलिनता से रोग होते हैं ये सब केतु के अधिकार में हैं। राहु से दादा का विचार तथा केतु से नाना का विचार करना चाहिए। अल्पमार अपस्मार चेचक नासूर भूख कृमि यानी कीड़ा प्रेत बाधा पिशाच बाधा अरुचि कैद कोढ़, ये राहु के कारकत्व में हैं। जिस पर राहु का प्रभाव है उनके ऊपर ये सब कारण बन जाते हैं।
खुजली, चेचक, शत्रु का कपट, रोग, हीन जाति के लोग ये केतु के कारकत्व में हैं, ऐसा वैद्यनाथ ने भी कहा है। अब इसके बाद हम राहु का और चर्चा वर्णन विषम रूप से करेंगे। तो राहु और केतु से सम्मिश्रित स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं? केतु के बारे में कहा जाता है कि जिसका स्वभाव शुद्रता से लिए हुए हो, जहाँ पर कुत्ते, मुर्गे, गिद्ध, सींगों वाले पशु, क्षय रोग, पीड़ा, ज्वर, व्रण, पिशाच कर्म, ढीठपन, शत्रुओं को पीड़ित करना, धर्मांधता, अंधविश्वास, दिखावा, तड़क भड़क, भिक्षावृत्ति, तीर्थयात्रा, लोभ यानी लालच, चुगली करने की आदत, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरे से विरोध, अत्युत्तम ज्ञान, परिवर्तनशील कर्म, गुफा में निवास, अद्भुत काम, कीर्ति, प्रसिद्धि, चमकीलापन, जंगलों में घूमना, भविष्यवाणी, रोगमोचन, ऋण से मुक्त कर देना, शिव उपासना, शैव गण, निधि, धनागार, कारावास, मठ में निवास करना, अति उत्तम आदर्श रूप, चित्र विचित्र, ये केतु के अधिकार में सारे जगहें आती हैं। और जो तर्कशास्त्र है, म्यूनिसिपैलिटी है, जिला परिषद है, विधानसभा है, लोकसभा है, रेलवे, कर्मचारी, कमीशन एजेंट, विज्ञापन एजेंट, रबड़ का सामान, रबड़, बिजली का सामान, गांजा, भांग, उन्मत्तता, मैस्मेरिज्म व रंग बदलने वाले फूल तथा इसी किस्म के प्राणी, बर्फ, सर्कस, सिनेमा, सेल्युलाइड, दुराग्रह, औद्धत्य, विनाशकारी बातें, भ्रम का आभास, भूत पिशाच बाधा, दादा की स्थिति, कल्पना करने में तथा संशोधन करने में निपुणता, अफवाहें फैलाना, निराधार बातें करना, कार्य में प्रेरणा, प्राचीन तथा परंपरागत संस्कृति का अभिमान, अद्भुत में रुचि, आकस्मिक विलक्षण बातें, अस्पष्ट, अव्यवस्थित बर्ताव, पवित्रता और विश्वबंधुत्व, वासना राहित्य, भक्ति योग, आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान, मोक्ष, घरेलू खेल, ताश आदि, ये इन सब चीज़ों का विचार राहु से किया जाता है। राहु का विशेष वर्णन इस प्रकार से है कि राहु की दैनिक गति 3 कला और 21 विकला है। ये 12 राशियों में भ्रमण करने के इतने दिन हैं, 6,785 दिन, 20 घड़ी, 25 पल, 7 विपल में ये 12 राशियों को पार करता है। ये समय लगभग 18 साल 7 महीने और 2 दिन होता है। राहु के विषय में पाश्चात्य देवज्ञ विलियम अलली का विचार बताते हैं कि ये पुरुष प्रकृति है, गुरु तथा शुक्र के मिश्रण जैसा स्वभाव है, ये भाग्यदायी है। ये शुभ ग्रहों के साथ हो तो उनके शुभ फल अधिक मिलते हैं, अशुभ ग्रहों के साथ हो तो ये फल कम अशुभ होते हैं। केतु यदि अशुभ ग्रहों के साथ हो तो अशुभ फल अधिक तीव्र होते हैं। और शुभ ग्रहों से प्राप्त होने वाले फलों में केतु की युति से आकस्मिक विघ्न आते हैं और बना बनाया काम बिगड़ जाता है। शुभ ग्रह केंद्र में बहुत अच्छे योग में हो तभी केतु का ये दोष दूर हो सकता है। अब राहु के लिए कौन कौन सी राशियां शुभ हैं, कौन कौन सी अशुभ हैं? देखिए, राहु मेष राशि, ये पुरुष राशि है, दिन की चर, रुक्ष, उष्ण तथा अग्नि तत्व प्रधान है। तामसी स्वभाव, पशु, उद्धतपन, असंयत व्यवहार, लाल रंग के द्योतक, ये राशि मंगल की प्रधान राशि है, ये राहु के लिए अशुभ है। यदि राहु मेष में है तो अशुभ राशि है। वृष राशि, ये स्त्री राशि है, भूमि तत्व प्रधान है, शीतल है, रुक्ष है, उदासीन है, स्थिर है और रात्रि की बलि तथा नींबू रंग की शुक्र की गौड़ राशि है, ये राहु के लिए शुभ राशि है। मिथुन राशि पुरुष राशि है, वायु तत्व प्रधान है, उष्ण है, आर्द्र, लाल रंग, दिन की ये बुध की प्रधान राशि है, ये राहु की उच्च राशि है, राहु के लिए
अशुभ है। कर्क स्त्री राशि है, जल तत्व प्रधान है, शीत स्वभाव, आर्द कफ प्रकृति, नारंगी रंग की व हरे रंग की इसकी कलर है। रात्रि की बलिष्ठ चर चंद्रमा की प्रधान राशि है, यह राहु के लिए अशुभ राशि है। सिंह राशि पुरुष राशि है, अग्नि तत्व प्रधान है, उष्ण है, रुक्ष है, क्रोधी प्रकृति, दिन की पशु संध्या और रात्रि की लाल रंग व हरे रंग की सूर्य की प्रधान राशि है, यह राशि राहु को बहुत ही प्रिय है। कन्या राशि स्त्री राशि है, पृथ्वी तत्व की, शीत उदासीन और रात्रि की नीले काले रंग की बुध की गौड़ राशि है, इसमें राहु अंध माना गया है, ये राहु के लिए अशुभ है। तुला राशि पुरुष राशि है, उष्ण है प्रकृति, आर्द्र आरक्त चर राशि, मनुष्य प्रकृति, दिन की काला व गहरा पीला है इसका कलर। शुक्र की प्रधान राशि है तुला, ये राशि राहु के लिए अशुभ है। वृश्चिक स्त्री राशि, शीत यानी स जो ठंडा, जल तत्व की, रात्रि की बलि कफ प्रकृति, स्थिर गहरा पीला रंग, मंगल की गौड़ राशि है, ये राहु को प्रिय राशि है। धनुराशि पुरुष राशि है, अग्नि तत्व प्रधान है, उष्ण है इसकी प्रकृति, रुक्ष तामसी है, दिन की बलि बंध्या पीला व आरक्त हरा रंग है। गुरु की प्रधान राशि है, राहु के लिए अतीव्र अशुभ है। मकर राशि स्त्री राशि है, रात्रि की, शीत रुक्ष उदासीन, पृथ्वी तत्व प्रधान है, चर चतुष्पाद काला व गहरा पीला रंग है, शनि की गौड़ राशि है, ये राशि राहु को शुभ है। कुंभ राशि पुरुष राशि है, उष्ण है, आर्द और दिन की प्रधान राशि रक्त अधिकता, सूचक स्थिर आसमानी रंग की शनि की प्रधान राशि है, ये राहु के लिए अशुभ है। मीन राशि स्त्री राशि है, कफ प्रकृति है, जल तत्व प्रधान है, दुष्भाव और चमकीला तथा सफ़ेद रंग है इसका। रात्रि की गुरु की गौड़ राशि है, राहु के लिए ये राशि शुभ है। राहु केतु का उच्च स्थान, नीच स्थान, मूल त्रिकोण, स्वगृह, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, कौन सी राशियां हैं, इस विषय में दैवज्ञों में बहुत भारी मतभेद हैं। देखिए यहाँ पर राहु का स्वगृह जो है वो कन्या है, उच्च राशि मिथुन है, नीच राशि धनु है, कुछ आचार्यों का ऐसा मत है और कई आचार्यों के मत से राहु की उच्च राशि वृषभ है, केतु की उच्च राशि वृश्चिक है, मूल त्रिकोण कुंभ और कर्क प्रिय राशि है। नारायण भट्ट ने राहु का स्वगृह कन्या बताया है, यानी कन्या में यदि राहु है तो स्वगृह हो गया, उच्च में मिथुन राशि, मिथुन में राहु उच्च होता है, नीच धनु, मूल त्रिकोण कर्क माना है। और बृहत पराशर होरा ने राहु का उच्च वृष राशि माना है और केतु का उच्च स्थान वृश्चिक माना है। राहु का मूल त्रिकोण कर्क, केतु का मूल त्रिकोण मिथुन और धनु राहु का स्वगृह कन्या है, केतु का स्वगृह मीन राशि है। तो अब हम इतना आप लोगों को भ्रमित नहीं करके आगे चर्चा राहु के स्वभाव, राहु की दृष्टियों के बारे में करते हैं। देखिए राहु के लिए मंगल शत्रु है, शनि एवं शेष ग्रह, शनि सम है और शेष ग्रह जो हैं वो मित्र हैं, ऐसा भी एक मत है। राहु की दृष्टि पांचवी, सातवीं, नवीं, बारहवीं,
पांच सात नौ बारह स्थानों पर पूर्ण होती है और दूसरे तथा दस पर आधी होती है, तीसरे और छठे पर पाव भर मतलब एक बटा चार दृष्टि होती है और सुग्रह में हो तो दृष्टि नहीं होती है। ये राहु के दृष्टि की बात की है। राहु और केतु बकरी ग्रह हैं, यही मान्यता सत्य है, परंतु इस विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। प्रायः दैवज्ञ लोग इनकी दृष्टि का विचार भी दूसरे ग्रहों की तरह ही करते हैं। वक्र गति के अनुसार दृष्टि का चलन प्रायः नहीं है। लग्न व्यय लाभ दशम इस प्रकार से भी इन ग्रहों का विचार किया नहीं जाता है। मीन कुंभ मकर आदि राशियों के विचार का चलन भी अनुभव में नहीं आ रहा है। तो राहु केतु के बारे में प्रधानता वर्णन इस प्रकार से है, जिस व्यक्ति का राहु प्रधान ग्रह है वह व्यक्ति स्नेहशील होता है, विचार पूर्वक परीक्षा के बाद काम करता है, प्रपंच आसक्त रहता है, पहले स्वार्थ उसके बाद परोपकार करता है, अभिमानी यह मान का भूखा होता है, इसकी बुद्धि तीव्र, इच्छाएं श्रेष्ठ तथा उत्तम, इनकी पूर्ति के लिए पूर्ण यत्न करता है, मितभाषी किंतु लेखन कार्य में चतुर होता है, इसका लिखा बड़ा सरस होता है, ओज भरा तथा काव्य पूर्ण होता है, इसका स्वभाव सरल स्वतंत्र व्यवस्थित और स्पष्ट होता है, स्वतंत्र कल्पना शक्ति खूब किंतु इसका दुरुपयोग नहीं करता, अपने उद्योग में मगन, किसी की काम में दखल नहीं, स्वयं के काम किसी दूसरे का दखल नहीं होने देता है, स्वयं प्रभावशाली, रोब से अपना काम निकाल लेने वाला किंतु दूसरों के प्रभाव में आने वाला नहीं होता ऐसा व्यक्ति जो राहु से प्रभावित हो, प्राचीन संस्कृति का अभिमानी किंतु पर धर्मों के बारे में सहिष्णु होता है, परोपकारी बड़ों से व्यवहार में नम्र रहता है, धीर और मतिमान तथा व्यवहार दक्ष होता है। यदि राहु कुंडली में अनुभव संबंध में हो तो व्यक्ति बुद्धिहीन दुष्ट अत्यंत स्वार्थी दुराभिमानी मिथ्याचारी उद्दंड निर्लज्ज छिद्रान्वेषी अहमन्य होता हुआ दूसरों को व्यर्थ कोसने वाला होता है। इस तरह राहु का शुभ अशुभ फल आज्ञ लोग शुभ अशुभ के हिसाब से ही करेंगे। तो आगे हम और चर्चा कर रहे हैं राहु के बारे में चलते हैं। जिस व्यक्ति के जन्म लग्न में राहु हो वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, दूसरों के प्रताप से अपनी बात पूरी कर सकता है और दूसरों के प्रभाव से अपनी तथा दूसरों की इच्छा पूरी कर सकता है, बहुत स्त्रियों के होने पर भी उनसे ये तृप्त तो नहीं होता जिसके लग्न में राहु हो। समुचित भाव लग्न भाव का राहु मनुष्य को इतना शक्तिशाली करता है कि अपने शत्रुओं पर विजय पा सकता है। मनुष्य व्यवहारिक कामों में इतना निपुण होता है कि दूसरों से अपना काम निकाल लेता है, जो कुछ जवान से निकालता है उसे पूरा करके छोड़ता है और इसमें दूसरे की शक्ति का उपयोग कर लेने में इसमें निपुणता रहती है। इतना ही नहीं अपितु दूसरों के प्रभाव से अपने काम, अपने बंधु बांधवों के काम तथा इनसे अन्यत्र दूसरों के काम भी सिद्ध करने में निपुण तथा कुशल होता है। लग्न का राहु शारीरिक नैरोग्यता शारीरिक बल इतना देता है कि वो अपने यौवन में अनेक स्त्रियों का उपभोग लेने में समर्थ होता है। कहने का तात्पर्य है कि तनुभाव में राहु के होने से यौवन बलाढ़ता भी होती है और कामाधिक्य भी रहता है। अपने स्त्री से असंतुष्ट रहने से व्यभिचारी वृत्ति भी होती है, अर्थात यह एक नारी व्रत नहीं होता जिसके लग्न में राहु हो। और इसके बाद चर्चा हम आगे और करते हैं राहु के बारे में। क्या देखिए, कहते जिस मनुष्य के जन्म समय में राहु लग्न में हो दूसरे के प्रताप से सामर्थ्यवान, दूसरे के प्रभाव से ही अपने और दूसरे के धन का सहसा उपयोग करता है, शत्रु रहित होकर अपने कार्य में तत्पर रहता है, इसकी दो स्त्रियां होती हैं तथा अनेकानेक सुंदर स्त्रियों से घिरा रहता है और विवाद में तत्पर रहता है। भट्ट नारायण और जीवनाथ में प्रायः शब्द और अर्थ की समानता है।
जीवनाथ के अनुसार तनुभाव के राहु से द्विभार या योग होता है, व्यभिचार योग भी होता है। तनुभाव में राहु के होने से मनुष्य दूसरे के धन का उपयोग स्वार्थ और परार्थ सिद्धि के लिए करता है। महेश भट्ट कहते, महेश जी लिखते हैं कि यदि किसी मनुष्य के जन्म लग्न में राहु हो तो वह दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट स्वभाव का, अपने भाई बंधुओं को भी ठगने वाला होता है। इसे शिरोवेदना यानी सिर पीड़ा होती है, यह मत बिल्कुल निश्चित है। ये कामी, रोगी और वाद विवाद में विजय पाने वाला होता है। अच्छा, खान खाना जी कहते हैं लग्न में जिसके राहु हो वो दुखी, आलसी, स्वार्थी, बदसूरत और मूर्ख होता है। इन सब जितने भी विद्वान हैं इन सब की बातें कहीं ना कहीं एक दो बातें बिल्कुल सत्य हैं। वैद्यनाथ ने बताया कि राहु लग्न में हो तो वह मनुष्य क्रूर होता है, दया नहीं होती, अधार्मिक होता है, शील रहित होता है और रोगी होता है। लग्न में सिंह राशि में राहु हो तो राज वैभव मिलता है। वहीं पर मानसागर का मत है कि लग्न में राहु हो तो मनुष्य कुल का उपकारी होता है, व्यर्थ का बोलने वाला होता है, लाल लाल नेत्र होते हैं, पापी और कृतघ्न, किए हुए उपकारों को जो न माने उसे कृतघ्न कहते हैं, लेकिन सदा साहस से कर्म करने में समर्थ होता है। मानसागर के अनुसार तनुभाव का राहु मिले जुले फल देता है। ढूंढिराज ने राहु लग्न में होने पर अपना विचार दिया है, जरा सुनिए। जिसके लग्न में राहु वो मनुष्य दुष्ट स्वभाव और कुबुद्धि होता है, अपने जनों को, अपने आदमियों को ठगने वाला होता है। यह शीर्ष पीड़ा यानी कि सिर दर्द से युक्त, कामी, रोगी और वाद विवाद में विजय पाने वाला होता है। महेश और ढूंढिराज में पूरी समानता है। यहाँ पर मंत्रेश्वर ने राहु के बारे में कहा कि लग्न में हो तो मनुष्य की आयु थोड़ी होती है, ये धनी और बलवान होता है, किंतु इसके शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई रोग होता है। यथार्थ है, नारायण का कहना है कि मेष, वृष और कर्क लग्न हो, राहु बैठा हो तो संपूर्ण पीड़ाओं को दूर कर देता है। जैसे राजा यदि प्रसन्न हो तो सैकड़ों अपराध करने पर भी पुरुष की रक्षा होती है। गर्ग कहते हैं कि अगर तनुभाव में राहु हो तो मनुष्य सर्वांग रोगी, विकल होता है, कुरूप होता है, धार्मिक होता है, साहसी और लाल नेत्र वाला होता है। इसके नाखून तथा वेश पोशाक आदि अच्छे नहीं होते। लग्न राहु जब किसी के बैठा हो तो कहीं से धन का लाभ कराता है। सिंह, कर्क और मेष राशि में लग्न भाव का राहु हो तो धन लाभ के लिए बहुत शुभ होता है। लग्न का राहु होने से मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है, जिस स्थान में राहु हो वहाँ काला चिन्ह होता है। लग्न में राहु के होने से चेहरे पर काला चिन्ह होता है, बिल्कुल सत्य है ये। बृहद यवन जातक ने कहा कि लग्न में राहु हो तो ऐसा मनुष्य दुष्ट बुद्धि, दुष्ट स्वभाव का, अपने ही लोगों को ठगने वाला ठग होता है। इसके सिर में वेदना होती है और एक कामुक, बाद में विजयी यानी कि लड़ाई झगड़े में विजयी होता है, रोगी होता है। हरिवंश कहते हैं लग्न में राहु हो तो अगर उच्च है, नव पंचम में राहु हो तो मनुष्य राज समान तथा धनी होता है। अन्य राशियों में हो तो मनुष्य रोग से क्षीण देह, शठ, दुखी और भयभीत होता है। यदि राहु मेष, वृष व कर्क में हो तो सब दुख होते हैं ऐसे व्यक्ति को। अन्य राशि में हो तो राजा से द्वेष, रोग, चिंता होती है। लग्न भावस्थ राहु मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तथा मकर में हो तो राज योग होता है, सुखी और दयालु होता है। अन्य राशियों में हो तो मनुष्य पुत्रहीन होता है अथवा मृत पुत्र होते हैं। भृगुसूत्र ने बताया राहु के ऊपर कि जिस मनुष्य के लग्न भाव में राहु हो तो इसकी संतान मृत होती है, और इस भाव का राहु मेष, वृष व कर्क में हो तो मनुष्य दयालु और बहुत भोगों का उपभोग करने वाला होता है। ये राहु यदि अशुभ ग्रह से युक्त हो अथवा अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो मुख पर दाग रहता है। यह मनुष्य अपने वचन का पालन करने वाला, सत्य प्रतिज्ञ, अनेक स्त्रियों में आसक्त होता है, अति कामुक तथा सुंदर वेश धारण करने वाला होता है। लग्न में राहु से स्त्री तथा पुत्र का सुख नहीं मिलता, मित्र नहीं होते, मार्ग में कष्ट होता है, जल से भय रहता है, बात रोग से पीड़ा होती है, मनुष्य झगड़ालू,
धन का क्षय करने वाला होता है, राहु स्वगृह में हो तो लाभ देता है, ऐसा जो भृगु सूत्र है उनका चिंतन है। पाश्चात्य मत का चिंतन है कि लग्न में राहु हो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति, यह व्यक्ति अति दीन दशा से अति उच्च दशा तक पहुंचता है, बिल्कुल राइट है। पहले गरीब हो फिर अमीर हो जाता है, लोगों की नज़रों में श्रेष्ठता मिलती है। इस शक्तिमान पराक्रमी अभिमानी जल्दी कीर्ति प्राप्त करने वाला, लोगों की परवाह न करने वाला होता है, शिक्षा की ओर इसका विशेष ध्यान नहीं होता। यह प्राचीन संस्कृति का अभिमानी होता है, नई बातों को जल्दी ग्रहण नहीं करता, इसका वजन छरहरा तथा कद ऊंचा होता है। विचार और अनुभव में आई हुई बात यह है, लग्न में राहु मिश्रित फल दाता है। नारायण भट्ट और जीवनाथ देवज्ञ ने प्रायः अच्छे शुभ फल बताए। उच्च स्थान का राहु कोण का अर्थात पंचम और नवम को कोण कहा जाता है। कराहु सूर्य क्षेत्र स्थित राहु शुभ फल देता है। मेष वृष व कर्क राशि का राहु शुभ फल दाता है। ये मत भी बहुत आचार्यों का है। पाश्चात्य मत के अनुसार लग्नस्थ राहु मनुष्य को अतिहीन दशा से अति उच्च दशा तक पहुंचाता है, ये बिल्कुल सत्य है। मंत्रेश्वर बैद्यनाथ आदि के अनुसार लग्नस्थ राहु अशुभ फलदायक हैं। इस तरह लग्न भाव स्थित राहु के शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल हैं। पुरुष राशि स्थित राहु के फल स्त्री राशि स्थित राहु के फलों से भिन्न है। यहाँ पुरुष राशि का फल बताया गया है, वहाँ पर सिंह राशि को छोड़कर अन्य राशियों का ग्रहण करना उचित होगा। इसी तरह स्त्री राशियों में वृश्चिक राशि का ग्रहण अनुचित होगा। वृश्चिक राशि अपवाद में है। शुभ संबंध स्थित राहु मनुष्य के लोगों के कल्याण के लिए यत्न करने के लिए अंततः प्रेरणा देता है। पुरुष राशि स्थित लग्न भाव का राहु हो तो दो पत्नियों का योग बनता है। स्त्री राशि स्थिति लग्नस्थ राहु से एक विवाह होता है, यह अल्प स्त्री का सुख योग है। मेष सिंह धनु में ये राहु हो तो दत्तक योग होता है, ऐसा व्यक्ति दत्तक जाता है। मेष में लग्नस्थ राहु का मनुष्य उदार होता है, सिंह में दयालु होता है। धनु में राहु होने से व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से अलग रहने वाला व्यक्ति होता है। वृष कर्क कन्या मकर व मीन का जो राहु है तो मनुष्य लोगों के काम में दखल देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। मिथुन तुला कुंभ का राहु मनुष्य को छिद्रान्वेषक बनाता है। स्त्री राशि स्थिति जो राहु की होती है तो ऐसे व्यक्ति को व्यवहार में अव्यवस्थित बनाता है। वृश्चिक राशि स्थित राहु मनुष्य को निष्कपटी बनाता है। यह द्विभार्या योग होता है, पहली पुत्र संतान की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से राहु लग्न में इन फलों का दाता होता है। लग्न के अंतर्गत जो राहु की चर्चा हुई ये लग्न की बात है। अब हम अगले विभाग में धन भाव में यानी दूसरे घर में राहु का प्रभाव क्या होगा ये चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार।